China's economic growth coming in worse than expected. The country's second quarter GDP rose by 4.7% year on year. That's a miss on expectations of a... दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीन की आर्थिक हालत पतली हो गई है। चीनीज जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी ही आर्मी से डरना शुरू कर दिया और इतना डर गए हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर विश्वास करें किसके ऊपर विश्वास ना करें। जो भी कहेंगे प्लीज इग्नोर इट, उसको सीरियसली मत लीजिए। ये 4.7% ग्रोथ ये जो भी बता रहा है एक्चुअली वो भी गलत है। एक्चुअल जो है चाइना की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रहा है। PMI इंडेक्स जो होता है, PMI जानते हो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो होता है, वो 50 के नीचे जाएगी तो मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गया, मतलब इट इज गोइंग डाउन। चाइना का 48.9 वो बता रहा है, मतलब वो खुद बता रहा है, मतलब उसका नंबर क्या होगा आप समझ सकते हो। इसलिए उनको लगता है कि जो आर्मी के लोग हैं वो मेरे साथ लॉयल नहीं हैं। कल को अगर मुझे कोई भी मैं कमांड दूंगा ये मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। और उनको लगता है कि बिठाऊं तो किसको बिठाऊं, दो को बिठाया था, दोनों ने हालत खराब कर दी शी जिनपिंग की। बीजिंग इज होस्टिंग अ क्रूशियल मीटिंग, टॉप कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स आर गैदरिंग, द पर्पस टू शेप द फ्यूचर ऑफ चाइनाज इकॉनमी। It's going to be a tough task. The meeting itself is off to a rough start because fresh economic data is out and it shows further decline for the Chinese economy. वहां के सीमा शुल्क विभाग की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो चीन की अर्थव्यवस्था लगातार रसातल में जा रही है। प्री कोविड जिस क्वार्टर में 2 मिलियन तक आते थे, अब इस बार 40,000 लोग आए। जब इकॉनमी नहीं उठेगी, लोगों में गुस्सा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सिविल वॉर होगा। तो कल को लड़ाई कैसे करेगा, अपने आर्मी को कमांड देगा, उसको यही नहीं पता होगा कि मेरी आर्मी मेरे पीछे खड़ी है या मैं अकेला ही खड़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन की हालत आज ऐसी हो गई है कि जो चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो आज अपने आर्मी पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। शी जिनपिंग को ये डर सता रहा है कि चीनी फौज सत्ता ना पलट दे, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां चीन की बैंकरप्ट होती जा रही हैं। चाइना के लोगों में गुस्सा इतना बढ़ गया है कि चाइना में सिविल वॉर होने के कगार पे है। ऐसे में शी जिनपिंग अपने आर्मी हेड को चुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी फौज पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीन के जीडीपी ग्रोथ रेट सामने आ गई जिससे शी जिनपिंग की हालत और खराब कर गई। चीन की दूसरी तिमाही में उसकी जीडीपी ग्रोथ जो कि अनुमान से बहुत कम है। चीन को भरोसा था कि इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट कम से कम 5.1% रहेगी, लेकिन असल में स्थिति इससे काफी पीछे रह गई। वही भारत की ग्रोथ रेट इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा है 7.4, और इसका पीछा करने की कोशिश में चीन बीच रास्ते में ही हाफ कर बैठ गया। चीन की जीडीपी में गिरावट का प्रमुख कारण है कि वहां के लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, वो पैसे अपने सेव कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां कोलैप्स हो रही हैं, उन्हें डर सता रहा है कहीं हालत और खराब ना हो जाए। चाइनीज जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी ही आर्मी से डरना शुरू कर दिया और इतना डर गए हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर विश्वास करें किसके ऊपर विश्वास ना करें। तो वो अपनी पत्नी के पास गए और उनको बोला कि अगला आर्मी चीफ तुम ही डिसाइड करो। और सोच कर देखिए कि अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास है, आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं है। उसका रीजन है कि जो शी जिनपिंग है उनकी जो वाइफ है वो आर्मी की ही लेडी है। मैटर ये है, पहली बात ये कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस के बीच में से वो गुजर रहे हैं और जो इनकी परेशानी है वो आर्मी को लेकर तो बाद में है, पहले तो इकोनॉमी को लेकर है, ताइवान को लेकर है और दुनिया में जो अपनी धाक बनानी है उसके ऊपर है। सब जगह पे पैसे मरते जा रहे हैं। BRI में प्रोजेक्ट पे ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुका है चाइना, उसका फायदा भी हो रहा है लेकिन नुकसान भी है कि कई कंट्रीज पाकिस्तान जैसी उसको $50 बिलियन दे दिए। भाई उनकी तो 50 रुपए की औकात नहीं थी, आपने उठा के 50 बिलियन दे दिए, वापस कितों आने हैं। तो इसीलिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से जो मिलिट्री की टॉप ब्रास होती है जो, वो भी शी जिनपिंग को बहुत ज्यादा चैलेंजेस दे रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ, उनका नाम है पेंग लियांग, उनके ऊपर विश्वास रखा है और उनको बोला है कि भैया मुन्नू बचा ला मेरी आर्मी। तो अब उसका रीजन क्या है, रीजन ये है दो डेवलपमेंट्स हुई जिसके कारण ये सारी स्पेकुलेशंस मार्केट में आई। पहला ये था कि जो दो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको पार्टी से निकाला गया, अपने ओहदे से निकाला गया
और धक्के मार के बाहर निकाल दिया, कहां है किसी को पता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो अपना नया चीफ डिफेंस चीफ, इन दोनों को निकालने के बाद जो डिफेंस चीफ को लगाना है उसके ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने थोड़ा सा एतराज जताया है कि भाई आप तो अपनी वाइफ की सुनते हैं और उन्होंने जिसका नाम लिया उसी को आप चूज करने वाले हैं। अब आते हैं दोनों मुद्दों के ऊपर एक एक करके। पहला, आपको मालूम है कि जो दो आर्मी जनरल थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, वे फंगी और ली शंगफू, ये दो आदमी थे जो कि बहुत क्लोज थे शी जिनपिंग के, और दोनों बहुत लंबे टाइम पर, एक ने तो जो था उन्होंने 12 साल अपना वो रहा है आर्मी चीफ, और दूसरे वाला अभी सिर्फ एक या दो साल ही हुए थे उसको आर्मी चीफ बने हुए। लेकिन मजे की बात क्या है, दोनों को एक टाइम पर पकड़ा गया, दोनों को निकाला गया, जेल कर दी गई है। कहां गए हैं, किडनी निकाल ली होंगी, यहां पर तो सीधा हिसाब है, आपने धांधली करी है कंट्री के साथ, किडनी निकाल लो, उसके बाद लीवर निकाल लो, उसके बाद हार्ट निकाल लो। और ये दिखाता है कि शी जिनपिंग की जो एंजाइटी है वो बढ़ती जा रही है, और वो इस वक्त अपनी आर्मी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे है। 10 साल लग गए अपनी आर्मी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, नहीं कर पाए क्योंकि करप्शन बहुत डीप रूटेड है आर्मी के अंदर, हर एक कंट्री में होती है, और इसलिए उनको लगता है कि जो आर्मी के लोग हैं वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, कल को अगर मुझे कोई भी मैं कमांड दूंगा ये मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। और उनको लगता है कि बिठाऊं तो किसको बिठाऊं, दो को बिठाया था, दोनों ने हालत खराब कर दी शी जिनपिंग की, इकोनॉमी वापस ट्रैक पे नहीं आ पा रही है, क्या हालत है चाइना की इकोनॉमी की और ऐसा क्यों हो रहा है? चाइना का जो इकोनॉमी है ये एक फालतू क्या कहते हैं उसको, इट इज जस्ट अ मेक बिलीव नंबर है, सबको उल्लू बनाने वाले नंबर है, और जो भी कहेंगे प्लीज इग्नोर इट, उसको सीरियसली मत लीजिए। ये 4.7% ग्रोथ ये जो भी बता रहा है एक्चुअली वो भी गलत है, एक्चुअल जो है चाइना की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रहा है। अब इनके मैं कुछ मेन पॉइंट्स में बताऊंगा आपको क्या क्या हो रहा है। अभी इनका पीएमआई इंडेक्स जो होता है, पीएमआई जानते हो, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स बताती है, वो 50 के नीचे जाएगी तो मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गया, मतलब इट इज गोइंग डाउन, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया आपका। भारत का 52.6-52.7 रेंज में है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, चाइना का 48.9-49 वो बता रहा है, मतलब वो खुद बता रहा है, मतलब उसका नंबर क्या होगा आप समझ सकते हो। तो ये एक चीज है। दूसरा जो फुटफॉल होता है ना, जो फॉरेनर्स आते हैं उधर शांघाई वांघाई, जो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, फॉरेन लेबर हो, फॉरेन क्या कहते हैं उसको टेक्नीशियंस हो या जो भी हो, ऑल दीज पीपल प्री कोविड जिस क्वार्टर में 2 मिलियन तक आते थे, अब इस बार पिछले क्वार्टर में इनका 40,000 लोग आए, 40,000 उसमें से भी आपको जापानीज, टाइवानीज और कोरियंस आए, मगर अमेरिकन कोई नहीं आए, मगर मतलब 1,000-2,000 आए होंगे। इनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैट्स रहते थे, काम करते थे, पूरा खाली हो गया। अब ये भी एक न्यूज आ गया, शायद आप सुनाए कि नहीं सुनाए, एक हफ्ते पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुआ के टॉप कमांडर्स के साथ, शी जिनपिंग के मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में शी जिनपिंग ने यहां तक उनको बोला है कि आप एक सिविल वॉर के लिए तैयार रहिए। अब जितने भी उनके लोग हैं उनको पर्ज कर रहा है, मतलब कमांडर्स ऑफिसर सबको पर्ज कर रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनका इकोनॉमी अभी उठने वाला नहीं है। जब इकोनॉमी नहीं उठेगी, लोगों में गुस्सा बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली सिविल वॉर होगा।